ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਸੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल जवाब हो रहे हैं। तो साबका मंत्री सेखों तो पुछगिछ हो रही है, मोहाली दे विच विजिलेंस दफ्तर दे विच पुछगिछ की जा रही है, कथित तौर पर सिंजाई घोटाला है जिसनों लैके सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसनों लैके पुछगिछ की जा रही है। करीब 1200 करोड़ रुपए का एक कथित सिंजाई घोटाला है जिसनों लैके पुछगिछ हो रही है। अकाली भाजपा सरकार वेले का दस दिए कि यह सारा घोटाला कथित तौर पर दसया जा रहा है। तो मामले दे विच हुण तक साबका आईएएस कहन सिंह पन्नू ने, केबीएस सिद्धू ने, ते साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लो इन्हां तों पुछगिछ इस मामले दे विच हो चुकी है। तो फिलहाल ये मामला सारा साबका मंत्री सेखों तो इस मामले दे विच पुछगिछ हो रही है और इस वेले ये पुछगिछ चल रही है। तो दस दिए कि मोहाली दे विच विजिलेंस दफ्तर है जिथे कि सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो कथित तौर पर सिंजाई घोटाले नूं लैके ये सवाल जवाब हो रहे हैं। हालांकि ये भी दस दिए कि यह सारा मामला जो दर्ज किया गया सी या फिर उस वेले जो शिकायत मिली तो उस वेले एक कांग्रेस सरकार सी, कांग्रेस सरकार दे वेले ये सारा मामला दर्ज होया सी। तो हुण लगातार इस मामले दे विच पुछगिछ हो रही है और इस तो पहला आईएएस ने, साबका आईएएस कान सिंह पन्नू ने, केबीएस सिद्धू ने और साबका मंत्री ने शरणजीत ढिल्लो इन्हों तो पुछगिछ हो चुकी है और हुण जनमेजा सिंह सेखों तो सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो यह तस्वीरें भी तुहानू दिखा रहे हैं। जनमेजा सिंह सेखों पहुंचे ने विजिलेंस दफ्तर, इकले ही अंदर दफ्तर के जा रहे हैं। तस्वीरों के साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। तो उन्होंने वालों पुछगिछ के लिए पहुंचा गया है। करीब करीब की गल की जाए तो यह घोटाला 1200 करोड़ रुपए का कथित तौर पर घोटाला, संजाई घोटाला दसया जा रहा है। सो जिसों लैके लगातार पुछगिछ हो रही है। तो अज खुद साबका मंत्री जनमेजा सिंह सेखों पहुंचे ने जिन्हों तो सवाल जवाब हो रहे हैं, जिन्हों तो पुछगिछ हो रही है। तो इस तो पहला भी जेकर गल की जाए अजिहे कई मामले ने जो हाल ही की मौजूदा सरकार के वेले भी दर्ज हुए हैं जिस मामलों के पुछगिछ की जा रही है। तो यह भी एक मामला है जिस मामले के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीधा चलते हैं, लाइव मौजूद ने मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जी। नपिंदर, की कुछ तमाम जानकारी है हाल ही के जो पुछगिछ की जा रही है? देखो जो तो मामला पिछली सरकार वेले दर्ज होया सी, 2017 दे विच ए मामला कैप्टन सरकार वेले दर्ज किया गया। एक पुराना जिस तरह घोटाला होने का जिहड़ा हैगा दावा किया जा रहा और इस दे विच एक ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई सी। उस ठेकेदार की गिरफ्तारी हुंदी है, गुरविंदर ढिल्लों नाम का ठेकेदार हुंदा। उसकी गिरफ्तारी तो बाद उस तो पुछगिछ दे विच काफ़ी जिहड़े ने फैक्ट सामने आउंदे ने, उन्हां फैक्ट्स दे आधार ते यानी उस शख्स उस ठेकेदार की पुछगिछ के आधार पर इन्हां लोकां नूं जिहड़ा हैगा समनिंग की गई और पुछगिछ है जिहड़ी वह की जा रही है। हालांकि गुरविंदर ढिल्लों दा जदों मामला सामने आउंदा है तो उसनूं गिरफ्तार किया जाता काफ़ी टाइम जिहड़ा हैगा, क्योंकि पुछगिछ दौरान कई चीज़ां कई फैक्ट सामने आउंदे ने और क्योंकि डिपार्टमेंट दे विच फिर जेकर कोई गड़बड़ हुई तो की उस महकमे के सैकटरी पता सी, की उस महकमे के मंत्री पता सी, की सैकटरी दे ध्यान दे विच होने के बाद ये चीज़ा हुई, कि मंत्री दे ध्यान दे विच ये चीज़ा आने के बावजूद हुई, की उन्हां दी कोई इनवॉल्वमेंट है। तो ये कई तरह के सवाल ने जिन्हों सवालों के जवाब तलाशन की कोशिश की जा रही है। तो विजिलेंस भवन है जिहड़ा मोहाली दे विच मुख्य दफ्तर है विजिलेंस का, इत्थे पुछगिछ की जा रही है। कुछ दिन पहला शरणजीत ढिल्लों जिहड़े महकमे वह भी वजीर रहे क्योंकि रीशफल होया सी, तां दोनों महकमे के मंत्री रहे जनमेजा सिंह सेखों भी, शरणजीत सिंह ढिल्लों भी। शरजीत सिंह ढिल्लों तो पहला पुछगिछ की जा चुकी है, हुण जनमेजा सिंह सेखों नूं बुलाया गया, अज उन्हां तों पुछगिछ की जा रही है, सवाल जवाब चल रहे ने। 2 घंटे दे करीब, 2 घंटे तो वध समा हो गया उन्हां नूं अंदर गया होया, पुछगिछ उन्हां नूं की जा रही है। क्योंकि कई ऐसे सवाल ने जदों किसी भी मामले की तह तक जाना है तो कड़ी नाल कड़ी जुड़न की कोशिश की जाती है। जे एक शख्स की गिरफ्तारी हुंदी है तो उहदी पुछगिछ दे दौरान जिहड़े तत्थ सामने आउंदे ने, जिहड़े नाम सामने आउंदे ने, उन्हां तों पुछगिछ की जाती है। तो की जिहड़े सवाल जवाब ने आपस दे मेल खांदे ने, किते कोई गड़बड़ तो नहीं है, किते कोई उलझाउण की कोशिश तो नहीं कर रहा। और अगर इस मामले दे विच वड्डा घोटाला होया तो फिर आखिर मुख्य तौर पर जिम्मेवार कौन है? हालांकि शरजीत ढिल्लों होनी पिछले दिनों साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये दावा किया कि मेरा इस मामले दे नाल कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस मामले चो नाम है जिहड़ा वो मेरी पुछगिछ है जिहड़ी मैनू ना बुलाया जाए, मैनू ना तलब किया जाए। पर क्योंकि उस महकमे के वजीर रहे ने,
ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਰੀਸ਼ਫਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਫੈਕਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੱਥ ਐਸਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਭਵਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ